दोस्तों जब भी व्रत के खाने की बात होती है तो सबसे पहले साबूदाना का नाम लिया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है साबूदाना बनाया कैसे जाता है? क्या यह किसी पेड़ पर फलता है या इसे किसी लंबे प्रोसेस द्वारा गुजारा जाता है? तो दोस्तों क्या आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियों के रूप में दिखने वाला साबूदाना अफ्रीका में सैगो पाम नामक पेड़ के तने के गुदों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन भारत में इसे टैपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। टैपियोका स्टार्च को बनाने के लिए कसावा नामक कंद का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें कि साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले कसावा के पेड़ों को जमीन से उखाड़कर उनकी जड़ों में उगने वाली कसावा रूट को काटकर बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद कसावा रूट को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले फैक्ट्री में कसावा रूट को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। कसावा के जड़ को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद इसे पीलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां जड़ के ऊपर वाले सभी छिलकों को हटा लिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें छिलका निकालने के बाद कसावा रूट को एक बार फिर अच्छी तरीके से धो लिया जाता है ताकि कोई भी छिलका आगे ना जा सके। दोस्तों इसे अच्छे से धो लेने पर कसावा की जड़ें दूधिया रंग से चमकने लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर इन सभी कामों को करने के लिए मशीनें लगी होती हैं। अब छिले हुए कसावा रूट को कन्वेयर बेल्ट के जरिए क्रशिंग मशीन में भेज देते हैं, जहाँ पानी की मदद से इसे अच्छे से क्रश कर लिया जाता है। क्रश होने के बाद यह गाढ़े थक्के के रूप में दिखाई देता है। इस समय इस सफेद पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में उपस्थित होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होता है। रिफाइन प्रोसेस पूरा होने के बाद यहाँ गूदों को अलग कर लिया जाता है और पानी को नाली के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। अब बचे हुए गूदों को सुखाया जाता है और इसे तब तक सुखाया जाता है जब तक इसमें नमी की मात्रा 12% न हो जाए। सूखने के बाद यह गूदा आटों के चट्टानों के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसके बाद इन आटों के चट्टानों को मिल में पीसने के लिए भेजा जाता है। मिल में पीसने के बाद यह आरा रोड में बदल जाता है। दोस्तों अब यहाँ आरा रोड को साबूदाना का आकार दिया जाता है, जिसके लिए इसे एक खास मशीन में डालते हैं। यह मशीन आरा रोड के छोटे छोटे दानों को गोले में बदल देता है। यह गोले 1 मिमी से 7 मिमी के साइज के होते हैं। तो दोस्तों इस तरह साबूदाना को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और साबूदाना को इसके क्वालिटी के आधार पर रंग बिरंगे पैकेट में भर देते हैं, जिसके बाद इन पैकेट को बड़े बड़े बॉक्सेज में भर देते हैं और इसे ट्रांसपोर्ट के जरिए आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।